हेलो साथियों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी डीएलएड में आवेदन किया है तो आप लोगों को स्टेट रैंक जारी होने का या फिर एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ने का बेसब्री से इंतजार है और आप लोग लगातार डाउट में हैं कि आखिर क्यों स्टेट रैंक जारी नहीं हो रहा है, क्या हमारा सत्र बर्बाद हो जाएगा, क्या हमारा ये साल 2024 वेस्ट चला जाएगा, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो भाई, आपको पूरी जानकारी यहां पर देने वाला हूं सीधा पीएनपी की तरफ से। जो भी जानकारी निकल के आई है बताने वाला हूं, स्टेट रैंक कैसे देख सकते हो, कब देख सकते हो इस, और कितना कंपटीशन है गवर्नमेंट सीट यानी डायट में एडमिशन यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, उन सभी बातों पे मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इस बार यूपी डीएलएड में अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया गया है, तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से आवेदन किए हैं ताकि वहां के डायट का कट ऑफ बनाकर आप सभी को बताया जा सके। क्योंकि जितना ज्यादा देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक से दो डाइट हैं, एक तो मिनिमम होता ही है, ठीक है। तो अब आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म को भरे हैं, तो उसके हिसाब से जो डाइट यानी डाइट का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बना के बताया जाएगा। तो एक बार आप लोग जरूर मुझे बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं या किस स्टेट से हैं, हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर स्टेट रैंक को लेकर कि आखिर क्यों स्टेट रैंक नहीं आया अभी तक और कब आएगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या थी वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखो भाई, आप तो जानते हैं स्टार्टिंग से आपने फॉर्म भरा, आपने जाना होगा कि जो एक पहले डेट आई थी वो कुछ और था। पुराना जब सबसे पहले फॉर्म आया था तो उसमें फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने का डेट, फॉर्म फिलअप एंड होने का डेट, फॉर्म फिलअप का पेमेंट का डेट और फाइनल प्रिंट का डेट सब कुछ था। इसके साथ साथ आप सभी को बताया कि स्टेट रैंक की भी डेट जारी कर दी गई थी पहले वाली शेड्यूल में। ये जो पुराना शेड्यूल था इसमें अंतिम तिथि जो थी आवेदन की वो 12 अक्टूबर तक आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते थे और तब जो स्टेट रैंक जारी होने की तिथि थी वो थी भैया 16 अक्टूबर मेरिट जारी करने की तिथि पीएनपी की तरफ से पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी कि 12 तारीख तक आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हो और 16 तारीख को आपका स्टेट रैंक जारी किया जाएगा आपके हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन के परसेंटेज को मिलाकर एक रैंक जो बनाया जाएगा उसको जारी किया जाएगा और उसी रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा सबको। तो भैया 12 तारीख तक क्या हुआ कि साइट में बड़ी प्रॉब्लम आई और इसके चलते क्या हुआ कि डेट को एक्सटेंड करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा और उसके बाद जब डेट बढ़ाना पड़ा तो ये तो 16 तारीख बेकार हो गया, 16 तारीख को स्टेट रैंक आया नहीं क्योंकि डेट फिर से बढ़ा दिया गया फॉर्म का। और जो नया कार्यक्रम जारी किया गया उसमें आवेदन कि अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक कर दिया गया, लेकिन उसमें स्टेट रैंक कब जारी होगा यह नहीं बताया क्योंकि इसी आवेदन फॉर्म फिलअप होने के बीच में ही कोर्ट का एक आदेश जारी किया गया कि 12वीं पास वालों को भी अवसर देना है। कोर्ट ने 12वीं पास को भी डीएलएड में मौका दिए जाने का आदेश दिया पीएनपी को, लेकिन पीएनपी ने कोई निर्णय ना लिया और फॉर्म फिलअप होने दिया और फॉर्म फिलअप में 12th वालों को मौका देने नहीं दिया, ना ही ऑप्शन दिया भरने का फॉर्म, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी दुविधा के चक्कर में इन्होंने स्टेट रैंक को जारी ही नहीं किया, ना ही स्टेट रैंक की डेट अनाउंस किया। अब दोस्तों यहां पर जो मामला निकल के आ रहा है, अभी ये लेटेस्ट खबर आपने पढ़ा होगा कि डीएलएड के आवेदन पूरे पर प्रवेश प्रक्रिया फंसी है। प्रवेश प्रक्रिया फंसी है इसीलिए क्योंकि यहां पर पूरी चीज भी बताई गई कि डीएलएड प्रशिक्षण, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कब स्टेट रैंक जारी किया जाएगा, आगे की क्या रणनीति है पीएनपी की, आखिर क्यों चुप है, क्या विचार है उसका। तो देखो भैया, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के दूसरे चरण के आवेदन पूरे हो चुके हैं लेकिन प्रवेश की काउंसलिंग कोई कार्यक्रम तय नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने पिछले महीने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप 12वीं पास अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश का मौका देने का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा विभाग तो अब तक इस आदेश के खिलाफ अपील कर सका ना ही 12वीं पास अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन ही आमंत्रित किया। कोर्ट के आदेश के खिलाफ विभाग ने अपील के लिए विधायक विधिक राय मांगी थी जो अब तक मिल भी नहीं सकी है, कोई भी राय भी नहीं मिला उनको। तो अब दोस्तों यहां पर हुआ क्या कि 12वीं को मौका नहीं दिया और इसके चलते क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने नाम है शायद यशांक खंडलवाल ऐसे करके हैं और उनके 9 साथियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया पीएनपी के खिलाफ कि आपने आदेश जारी किया था 12वीं पास को मौका देने के लिए लेकिन पीएनपी ने फॉर्म में आवेदन का मौका ही नहीं दिया 12वीं वालों को, यानी कि कोर्ट का सीधा सीधा अब
अवहेलना किया गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये मामला जो है जब कोर्ट में फिर से पहुंच गया, यशांक जो जिन्होंने याचिका दाखिल किया अपने 9 साथियों के साथ में, उसके चक्कर में यहां पर जो मामला है वो अटक गया, आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया। अब बीच में क्या हुआ कि दिवाली आ गई, दिवाली की छुट्टी हो गई भैया, ठीक है। अब दिवाली की वजह से, कई दिनों की छुट्टी होने की वजह से, कल संडे भी पड़ रहा है। अब जानकारी ये निकल के आ रही है पीएनपी की तरफ से कि पीएनपी कल यानी कि 3 नवंबर को जब ऑफिस खुलेगा तो मंडे को एक मीटिंग होने वाली है और मंडे को ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या किया जाए, ठीक है। क्योंकि भैया पीएनपी के पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो वो 12वीं पास को मौका दे, ठीक है, या तो 12वीं पास को मौका दे, क्योंकि सीधा सीधा कोर्ट ने आदेश दिया था कि 12वीं पास को मौका दिया जाए, एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार आदेश जारी किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो या तो वो 12वीं पास को मौका दे, आवेदन फिर से स्टार्ट कराए, और या फिर भैया वो अपील करें, ठीक है, और अपील भी नहीं कर पा रहे, तो या तो अपील करें, अपील करके इसको मामला को खत्म कराएं, और या तो 12वीं पास को मौका दें। इसी चीज को लेकर पीएनपी के अध्यक्ष 3 तारीख को मंडे को मीटिंग करेंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि 12वीं पास को मौका दिया जाए या फिर कोर्ट के जो आदेश आया है उसके खिलाफ अपील किया जाए और इसको खारिज कराया जाए इस मामले को, ठीक है। तो यह है मामला। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर आवेदन को 2 बार मौका देने की वजह से और इस बार यूपी डीएलएड में अदर स्टेट को भी मौका देने की वजह से आवेदन की संख्या बहुत अधिक आ गई है। 2,33,000 सीटें हैं कुल यूपी में, जिसमें से 3,25,440 आवेदन करता हो चुके हैं, यानी कि सीट से अधिक आवेदन आ चुके हैं। और अगर 12वीं को मौका दे दिया गया तो भैया समझ लो फिर अब क्या ही बताएं, मतलब कैसे हो पाएगा, इतना कम सीट 12वीं पास को भी मौका दे दिया जाएगा, तो 12वीं पास को मौका दिया जाएगा तो 5 लाख के पार चला जाएगा, 5 लाख के पार चला जाएगा। और सरकारी सीट का जो रैंक बनता है वो आपके 10th का जो भी परसेंटेज है, मान लो आपका 10th में परसेंटेज आपके 76 है, उसके बाद आपका 12th का जो मान लो परसेंटेज कितना है, मान लो आपके 86 है, उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन का जो है आपका वो मान लो आपका 80 है, ठीक है। तो ये आपको तीनों परसेंटेज मिलाकर टोटल जितने भी बन रहे हों वही आपका डिसाइड करेगा कि क्या रैंक रहेगी। जितनी कम रैंक रहेगी उतना ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे काउंसलिंग में आपको अच्छा कॉलेज मिलने का या फिर डायरेक्ट इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, ठीक है। तो आपके कितने परसेंटेज बनने हैं हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन मिलाकर, कितने टोटल परसेंट बनने हैं, 200 कितने बनने हैं, 210 बनना है, 215, 220, 230 जितने भी बन रहे हैं आप मुझे कॉमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको क्या मिलने वाला है, प्राइवेट मिल सकता है या फिर गवर्नमेंट मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि आवेदन की संख्या अधिक है, बहुत ज्यादा है। तो ये है भैया, अब जो भी मामला निकल के आ रहा है भैया वो ये है कि मंडे यानी कल मीटिंग होगा पीएनपी में, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या है रणनीति। देखो पीएनपी का साफ है, अगर पीएनपी आवेदन के बीच में भी 12वीं पास को मौका नहीं दिया, कोर्ट के आदेश आने के बाद भी मौका नहीं दिया, तो ये तो साफ है विजन कि पीएनपी नहीं देना चाहता है मौका 12वीं पास को। आप क्या चाहते हो कमेंट में बताएं, 12वीं नहीं देना चाहता था मौका इसीलिए नहीं दिया, उसको अपील करना चाहिए था बट वो डाउट में था किसी ना किसी की क्या किया जाए, बट ये तो पक्का है कि उसकी मर्जी नहीं है, यानी पीएनपी का मर्जी नहीं था कि हम 12वीं पास को मौका दें इसीलिए उसने नहीं दिया। बाकी अब आगे क्या है भाई, कोर्ट के आगे तो सबको झुकना पड़ता है, बाकी अपील करना पड़ेगा इनको, अगर अपील नहीं स्वीकार होता है तो भैया मौका देना पड़ेगा इनको, ठीक है। अब जो भी फैसला आएगा मंडे को आएगा और मंडे को आ जाने के बाद में दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर मतलब 10 तारीख के बीच में 10 अक्टूबर के बीच में ये फैसला हो जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। और अगर 12वीं को मौका दिया जाएगा तो उनको आवेदन का मौका दिया जाएगा फिर से, और अगर अपील मान ली जाती है तो भैया 10 तारीख तक आपका स्टेट रैंक जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें मैंने समझा दिया है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग भैया मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। अब होगा क्या, बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन अपडेटेड नहीं रहेंगे तो उनका काउंसलिंग मिस हो जाएगा और ऐसे में आप मौका पा जाओगे जो बच्चे बिल्कुल इसको लेकर ध्यान दे रहे हैं कि हाँ मेरा कब स्टेट रैंक जारी होगा, कब मुझे काउंसलिंग कराना है, कब मुझे कॉलेज चूज करना है, तो बिल्कुल अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डीएलएड एडमिशन प्रोसेस का सारा अपडेट मिलता रहे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।